इंतजार की घड़ियां जो टिकटार्थी हैं, चाहे बीजेपी में हो, चाहे सपा की बची हुई सीटें हो, चाहे बसपा की, सबके बचे हुए हैं। और खासतौर पर अगर हम सपा और भाजपा जिनके घोषित हो चुके हैं उनकी बात करें तो उनकी नजर है बसपा पर कि बसपा किसको उतारेगी, उनके कोऑर्डिनेटर कौन है, कौन प्रत्याशी हो सकता है। तो इसके पीछे पंकज जी क्या गणित है, मतलब बसपा के प्रत्याशी, संभावित प्रत्याशियों पर सपा और बीजेपी कैंडिडेट क्यों नजर गड़ाए बैठे हैं? देखिए, पहले तो बसपा का जो नियम है और उसका जो कानून है और जो परंपराएं हैं वहां, इन दोनों पार्टियों से बिल्कुल अलग है जी। वहां क्या होता है ना कि फाइनल लिस्ट जब मायावती जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताती हैं कि इन उम्मीदवारों की ये लिस्ट है, इसमें फलना बिरादरी के हैं, फलना धर्म के हैं, वो सब बताती है। लेकिन उससे पहले क्या होता है कि मंडल कोऑर्डिनेटर होते हैं। 18 मंडल हैं यूपी में, हर मंडल के एक या दो कोऑर्डिनेटर हैं। वो कोऑर्डिनेटर अपने अपने इलाके में लोकसभा सीटों पर जाकर के उम्मीदवारों का ऐलान कर देते हैं। अब तक यूपी में 5 लोकसभा की सीटों पर बीएसपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। 4 जो घोषणा की गई है, महज संयोग कहिए कि 4 के जो उम्मीदवार है ना बीएसपी के, वो मुस्लिम है, और इसमें से जो 2 हैं वो नगर पालिका के चेयरमैन है या उनके परिवार से जुड़े हुए हैं। ये बड़ा अद्भुत संयोग है। आपको बताऊं, जैसे कि अमरोहा सीट से जिनको उम्मीदवार बनाया गया, या फिर कन्नौज से, या मुरादाबाद से, अब जैसे पीलीभीत से जो सीट की घोषणा की गई, अनीस अहमद खान, ये भी मुस्लिम है, मुरादाबाद से इरफान सैफी है, अमरोहा से मुजाहिद हुसैन है, और कन्नौज से अकील अहमद पट्टा, अभी 4 मुस्लिम है। अभी मान के चलिए कि ये अगर चुनाव लड़ते हैं तो किसका नुकसान होगा, किसका फायदा होगा, ये तो क्लियर हो गया है। बिल्कुल, नहीं कुछ करते हुए भी, और हर जगह पर अगर बहन जी का बेस वोट देखें एससी बिरादरी का, तो लोकसभा में 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2 लाख, कहीं पर 2.5 लाख, इतने तो उनके पास अपने समाज का वोट बैंक होता है। इसके ऊपर अगर मुस्लिम समाज का वोट बैंक हो, वोट मिल गया, तो फिर क्या स्थिति होगी। अब जैसे कि कई जगहों पे तो घोषणा कर दी गई, जैसे कि नौशाद अली है, इनके मंडल कोऑर्डिनेटर है, उन्होंने इन सब उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। कुछ जगहों पर इशारा कर दिया गया, क्या होता है ना, लोकसभा प्रभारी बना दिया जाता है, मतलब यही चुनाव लड़ेंगे, हालांकि आखिरी वक्त तक बीएसपी में टिकट बदलता रहता है। अब जब हम इस बात की चर्चा कर रहे थे कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों इस जुगत में लगे हैं, जहां जहां उम्मीदवारों का ऐलान हो गया है कि भाई बीएसपी का टिकट किसको मिल रहा है, क्योंकि दोनों अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से टिकट चाहते हैं। जैसे मान लीजिए ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर चुनाव लड़ रहे हैं, वो घोसी से लड़ रहे हैं। अब घोसी में समाजवादी पार्टी से कौन लड़ेगा, तो एक तरीके से अभी तक जो चीजें सामने आ रही हैं उसमें ये है कि राजीव राय, जो उनके प्रवक्ता भी हैं, पहले भी विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, उनको मिल सकता है, ऐसी दावेदारी है। हालांकि आखिरी वक्त कोई और नाम भी आ सकता है। अब वो भूमिहार बिरादरी के हो गए, अति पिछड़ी जाति ने राजभर के, ओम प्रकाश राजभर के बेटे हो गए, तो बीएसपी से कौन उम्मीदवार होगा, इस पर राजीव राय की भी नजर है और ओम प्रकाश राजभर की है। वो उम्मीदवार अगर मान लीजिए कोई ऐसा आता है, मान लीजिए कोई मुस्लिम आ जाता है, तो फिर इसका नुकसान किसको होगा, समाजवादी पार्टी को हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए वो कोई पिछड़ी बिरादरी का दे देती है बहन जी, तो फिर इसका नुकसान किसको हो जाएगा, उसका नुकसान बीजेपी को हो जाएगा। तो दोनों ये चाहते हैं कि कैंडिडेट ऐसा हो जिससे उनको फायदा हो। तो आप यकीन मानिए कि बीजेपी के नेता जो है वो भी बीएसपी के नेताओं के संपर्क में है। अच्छा। और समाजवादी पार्टी के जो नेता है वो भी अपने अपने बीएसपी नेताओं के संपर्क में है कि भाई साहब एक काम करिए ना, फलाने जो है ना, इनको इस लोकसभा सीट से टिकट दिला दीजिए। अब जैसे उमाशंकर सिंह है, बीएसपी के इकलौते विधायक है, उनके फोन आजकल खूब गनगना आ रहा है, और बहन जी तक या मायावती तक उनकी डायरेक्ट पहुंच है। बहुत ऐसे लोग जो मायावती जी तक पहुंच ही नहीं पाते हैं आजकल। मंडल जो लोग कह रहे थे ना कि अकेले बहन जी लड़ रही है चुनाव में, तो उनका वो रसूख नहीं रहेगा, लेकिन अभी जो जानकारियां मिल रही हैं जैसे जैसे, तो समाजवादी पार्टी के हो, कांग्रेस के हो, और या बीजेपी के, वो चाहते हैं ऐसे उम्मीदवार हो जिससे उनका फायदा हो, सामने वाले के वोटों का बंटवारा हो जाए। तो बीएसपी नेताओं के संपर्क में इन सभी पार्टियों के लोग हैं और अपने अपने हिसाब से जुगाड़ सेट करने में लगे हुए हैं। ये बड़ी दिलचस्प कहानी है, उसमें फोन में कन्वर्सेशन सुनेंगे और बात करेंगे ना, अद्भुत कहानियां कि कैसे ये मिलते हैं। चूंकि मायावती के यहाँ क्या नहीं, कोई नेता दूसरी विपक्षी पार्टी के नेताओं के साथ तस्वीर नहीं आ सकता, वहां ये सब चलन नहीं है। दूसरी पर शादी ब्याह में भी ये लोग बड़ा बच के रहते हैं, तो कहाँ मिलते हैं, किस गेस्ट हाउस में, किसी के घर पे। अब होटल जाएंगे तो फिर तो तस्वीर आ जाएगी, सीसीटीवी फुटेज भी आ जाएगा। तो आजकल ये खूब चल रहा है, लखनऊ में खूब भेंट मुलाकातें हो रही है कि कम से कम ये वाला टिकट इस नेता को दिलवा देना। राजनीति कितनी मुश्किल है कि अपने टिकट की चिंता तो करनी है, सामने वाली पार्टी से टिकट मिलेगा इसकी भी चिंता करनी है।
समान रूप से उतनी चिंता करनी है। ये बड़ा अद्भुत खेल है, सिर्फ यूपी में नहीं होता है, सब जगहों पे होता है। बिल्कुल बिल्कुल।